हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल यूटिस फार्ट में। आज है मेरे पास एक नया फार्ट जो कि लॉन्ग कार्ड का है, जो कि स्टार्टिंग इन्वर्टर जब स्टार्ट हुए थे तो लॉन्ग कार्ड ये लगा हुआ होता था, तो ये मेरे पास अभी आया हुआ है। तो इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो चार्जिंग मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने चेक करनी है, स्टेप बाई स्टेप। ये वीडियो है, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये जैसे ही हम मेन देते हैं इसको तो ये आउटपुट निकाल रहा है, लेकिन इसकी चार्जिंग पे नहीं उठा रहा। तो आपका फॉल्ट क्या होगा, आपने सबसे पहले चेक करना है ये ट्रांसफार्मर जो कि 909 का होता है, यानी कि 18 वोल्ट हमने किट को दी होती है। तो इस पे आप पहले वोल्ट चेक कर लें, अगर आपकी 18 वोल्ट नहीं आ रही तो आप ट्रांसफार्मर चेंज कर दें। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा भी देता हूँ कि कैसे आपने सब करना है ये। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक डिजिटल मीटर, जो कि आपने एसी पर सेट कर लेना है 200 पर। 200 पर सेट करके आपने वोल्ट चेक करने हैं ट्रांसफार्मर के, ये आपको पता ही होगा कि कैसे चेक करते हैं। तो अगर नहीं पता तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप सबको। तो मैं वोल्ट चेक करके आपको दिखा देता हूँ मेरे वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये देखिए मेरे वोल्ट आ रहे हैं। तो वोल्ट आने के बाद आप चाहें तो 7812 जो लगा हुआ है रेगुलेटर 12 वोल्ट का, उसको आप चेक कर लें। वैसे वो कम ही ख़राब होता है, अगर वो सही है आपका तो आपने क्या चेक करना है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बता रहा हूँ आपको कि एक जैम्पर लगा होता है जो कि J1 लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा बोल रहा हूँ मैं। सभी किट्टों में होता है ये जैम्पर, तो इस पर आपने वोल्ट चेक करने हैं पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पर मैं वायर लगा रहा हूँ, ये देखिए मेरे 10 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर आपके वोल्ट नहीं आने चाहिए, ध्यान से सुन लें, यहाँ पर आपके वोल्ट कम से कम 3 के आसपास आने चाहिए, 3 के आसपास, 5 से ऊपर तो आने नहीं चाहिए। अगर आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपका इन्वर्टर चार्जिंग नहीं करेगा। तो फॉल्ट क्या होगा आपका, ये प्रीसेट हम चेक करेंगे कि प्रीसेट हमारा कोई ख़राब तो नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, दस नंबर पिन, ये पिन 10 नंबर नहीं है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये वाली बन गई 10 नंबर। तो यहाँ पर आपके वोल्ट देखिए 5.25 आ रहे हैं। तो जैसे ही आप प्रीसेट को घुमाओगे दाई तरफ या बाई तरफ, बल्कि एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज, आपके वोल्ट कम और ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके वोल्ट कम और ज़्यादा नहीं हो रहे तो R1 और R3 यानी R3 वो आपकी चेक कर लें, आपकी 10 की लगी होगी। तो आपको बताता हूँ कि ये R1 ये होगी और R3 होगी ये वाली, ये दोनों 10 के की लगी हैं, एक पॉजिटिव से कनेक्टेड होगी एक नेगेटिव से कनेक्टेड होगी। तो आप चेक कर लें, अगर कई बार कोई पॉजिटिव से आपकी डिसकनेक्ट हो जाती है या तो वो आप चेक कर लें। तो उसके बाद ये वाला करंट वाला प्रीसेट हम चेक करेंगे, इसकी आपने वोल्टेज चेक करनी है, सेम प्रोसीजर ही है। तो यहाँ पर आपने चेक करेंगे 6 नंबर पिन पर आपकी सेम प्रोसीजर है, वोल्टेज कम ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए पॉइंट्स में कुछ हो रहे हैं कम और ज़्यादा, जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ उसको करंट को, करंट वाले प्रीसेट को। अगर आपके ऐसे नहीं हो रहे तो आपने क्या चेक करना है, जो लगी होगी एक तो R23 एक कैपेसिटर लगा होगा C1 और एक डायोड लगा होगा, तो आप चेक कर लें। उसके बाद इस पे वोल्ट देखिए आपकी कम से कम 3 के आसपास आनी चाहिए, वो आप वोल्टेज वाले प्रीसेट से सेट कर लें, वो आपकी सेट हो जाएगी अगर आप ज़्यादा आ रही है वोल्टेज। तो उसके बाद ये AIC आ जाता है, इसकी 7 नंबर पिन पे आपने वोल्टेज देखनी है। अगर आपकी वोल्टेज नहीं आ रही तो आपका पीछे फॉल्ट है प्रीसेट और वो IC में, वो IC भी आप चेंज करके देख सकते हो और ये IC भी आप चेंज करके देख सकते हो। अगर आपकी 7 नंबर पिन पे वोल्ट नहीं आ रही, दोनों IC चेंज करने से ही अगर आपकी वोल्टेज आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप IC चेंज करके देख लें। उसके बाद आ जाता है ये ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर के बेस पर आपने वोल्टेज चेक करनी है। तो बेस पर आप, मैं आपको दिखा देता हूँ कि T2 लिखा हुआ है जो ट्रांजिस्टर, आपकी किट में कोई भी नंबर हो सकता है जो नहीं T2 लिखा होगा,
तो इसकी बेस पर आपने नोटी चेक करनी है, पॉइंट्स में कुछ आएगी तो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। मेरा इसमें मीटर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम आउट करता हूँ एक बार। अब देखिए मैं आपको बेस वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि ये देखिए मेरे पॉइंट्स में कुछ आ रही है। अगर आपके पॉइंट्स में नहीं आ रही जहाँ बहुत ज़्यादा हाई आ रही है 10 वोल्ट 12 13 आ रहे हैं तो आपका ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, इसको आप चेंज कर लें। ज़्यादातर पार्ट इस ट्रांजिस्टर का ही होता है और इसके साथ रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ R9 और 10। R9 और 10 आप चेक कर लें, वैसे कम ही चांस होते हैं रेजिस्टेंस खराब होने के, ज़्यादातर चांस होते हैं ट्रांजिस्टर खराब होने के। कई बार छोड़ रहे थे कई बार ओपन होगा तो इसको आप चेक कर लें या रिप्लेस कर लें जो भी है। तो उसके बाद आ जाता है MOC 3021 IC जो कि ऑप्टो कपलर IC है। इसकी आपने एक और दो नंबर पिन पे वोल्ट चेक करने हैं, एक नंबर पॉजिटिव है और दो नंबर नेगेटिव है। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, जब आपका चार्ज करेगा तो इस पे वोल्ट आएंगे। अगर आपके वोल्ट नहीं आ रहे तो आपने जो पीछे मैंने बताया है IC ट्रांजिस्टर प्रीसेट रिस्ट्रिक्शंस वो आप चेक कर लें। अगर आपके वोल्ट आ रहे हैं तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या चेक करना है। तो ये दिखा रहता हूँ, मेरी पिन लग नहीं रही है आसानी से। जब आपके मोस पर वोल्टेज आ जाए पॉजिटिव में, एक वोल्ट के आसपास आएगा, एक पॉइंट वोल्ट या पॉइंट्स में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी चार्जिंग अम्पेयर कितने आ रहे हैं। तो उसके बाद आपने चेक करना है कि जो हमारा होता है SCR, दो SCR लगे होते हैं 612। ये देखिए, एक पर AC वोल्टेज मिलती है और दूसरी पर आउटपुट निकलता है। एक पर AC वोल्टेज हमारी जितनी मिलेगी और दूसरी पर वो रेगुलेट होके जाएगी ट्रांसफार्मर पर, क्योंकि यहाँ सेंटर पिन होती है, टैपिंग होती है जो। तो अगर आपकी वोल्टेज एक पर आ रही है दूसरी पर नहीं आ रही तो आप चेक करें SCR आपका नीचे से कोई बर्न ना हो या ओपन ना हो गया हो, उसको आप चेंज कर दें। SCR 612 आप लगा सकते हो। और एक आते हैं 16 DTS जो कि स्कैम में लगे होते हैं, वो भी लगा सकते हो। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी वोल्टेज यहाँ पर आ गया है और एम्पीयर भी उठाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये था सिंपल सा तरीका। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखिए इंडिकेशन भी आ रहा है मेरा और मेन का भी आ रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और मैं लाता रहूँगा एक नया पार्ट, नई तकनीक आप सबके लिए।